एसएसपी दफ्तर के सामने अपनी पार्टी के खिलाफ असी ये मोर्चा खोलन लई मजबूर होए हां, जिहदा मेन कारण यह है हलका एमएलए अते उहदे 8-10 लोटू टोलो जिहड़ा किसे टाइम पहला कांग्रेस अकाली दल च हुंदे सी, फिर वह लोटू टोला कांग्रेस से आ गया, हुण उहनां नूं नाल लैके फिरदा है। ते अपना एक खास SHO जिहड़ा बड़ा पिछले समय दौरान बड़ा बदनाम रहा है फर्जी FIR करन दे विच, ते फिर अज तुहानूं उत्थे बावाले थाने च लवा के ते उहदा एक रिश्तेदार है अमनदीप, सारी उगराई उहदे नाल हुंदी है ते उह सारा कुछ उहदे नाल करवा के अज सानू इस लई मजबूर करता वी इह धरने लाउणे पै रहे है। मामला पिंड धर्मपुरे दा है जिथे ये बजुर्ग जिन्हें जिथे इस टाइम प्रबंधक लग्या होया है प्रदीप कुमार जिहड़ा पिछले सबका MLA का रिश्तेदार है, तुसी देखो पिछले समय दौरान ये 2020-21 दी है 56 दी 4 दीवारी 15,92,551 रुपये ये पैसे ये मैं आपके कोलों कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की साइट पर पिया है, इन्हें अपलोड करते मता पाउंदा 5-10-2020 नूं मता पा के पैसे कढ़ा लैंदा इट्टां दे मजदूरी दे लेबर दे सारे पैसे कढ़ा लैंदा है। पैसे कढ़ाउण तों बाद अकाउंट तों भी पैसे कढ़ाए है, आ देखो 9-10-2020 नूं अकाउंट तों पैसे निकल गए। उस तों बाद इन्हें की कीता ये पैसे जिहड़े हैगे खर्च रजिस्टर च वी दर्ज हो गए, आ जिहड़ा खर्च रजिस्टर है ये पैसे 2020 दे विच दर्ज हो गए, सिर्फ होए कित्थे आ कागजां दे विच, असल दे विच उह छप्पड़ ते कोई कम नहीं होया। इस बजुर्ग ने कन्न आराम ने जदों इस दी आवाज़ उठाई DC साहब दी 20 तरीक नूं उत्थे पब्लिक मीटिंग सी 20-12 नूं, उहदे विच इहनां ने एप्लीकेशन दित्ती ते उस एप्लीकेशन दे विच मैं तुहानूं इहदियां क्लिप भी दिखाउणा भी जदों ये दोनों उस DC साहब दे उत्थे पेश होए है ते नाल दी नाल जदों ये होया MLA नूं गुस्सा आ गया, क्योंकि प्रबंधक ते मौजूदा सरपंच है वह MLA दे बड़े खास है, इहदे पुराने दोस्त रहे है, इहने पार्टी दी बजाए उहनां दा साथ देण दे लई आ देखो मैं तुहानूं दिखाउणा ए बंदे आ कन्न आराम ते दोनों आ दोनों ए आवाज़ उठा रहे हैं, ए DC साहब जिहड़े मौजूदा अपने DC है फाइलका दे उहनां दी पब्लिक मीटिंग दे दौरान होया है। इस तों बाद MLA नूं गुस्सा इन्ना आउंदा है इहनां दा बचाव करन लई इस ते कार्रवाई कराउण दी बजाए MLA की कहिंदा है भी पूरा पिंड ही ब्लैक मिलना दा है। आ देखो ये कह रहे हैं पूरा पिंड ही ब्लैक मिलना दा है। आ देखो MLA दी की मजबूरी सी जेड़ा इस प्रदीप कुमार ते सरपंच दी बचाउण लई सारे पिंड नूं ब्लैकमेलर कही जांदा है, हो सकदा है जिथे भी असी ये कहिंदा भी RTI वाला ब्लैकमेलर है, मैं 2010 तों RTI ला रहा, कोई बंदा सबूत कर दे किसे दे रुपया लिया होवे, मैं वकालता हुण करन लग्या 2010 तों जदों केजरीवाल RTI दा नैशनल प्रधान हुंदा सी उदों मैं चंडीगढ़ जा के मीटिंग अटेंड करता हुंदा सी ते उदों तों लगा के अज तक करदे रहे हां, कोई साबित कर देवे RTI च ब्लैकमेलिंग कित्थों हुंदी है। जे थोड़े तुसी सही हो जो थोड़े कोल कागज हैगे जो कम तुसी विकास दा करी जांदे हो
वो सारे का सारा काम तुसी सरेआम तुसी ओपन उते डिस्कलोज कर दियो, जेडे कागज मंगदे हो दे दियो। ब्लैकमेलिंग हुंदी नहीं, ब्लैकमेलिंग उदों हुंदी है जदों तुसी कपला करदे हो ते ओ कपले दे कागज मंगदे हो, तुसी चोर हो उस मामले च, उदों ब्लैकमेलिंग हुंदी है। उस तों बाद मैं तुहानू दिखाउणा वी इन्हां ने सिर्फ की है कन्न आराम परिवार ते इन्हां बजुर्ग बंदियां दी। आ बजुर्ग बंदा देखो, इन्नी उम्र दा बंदा है, इहनू चक के अंदर करवाता इन्हां ने। ये 15 दिनों तो जेल तो जमानत करवा के है। इन्हें सिर्फ इन्नी गल कही सी भी ये रेता जेड़ा हैगा जी, ये तुसी नहर वाला यूज कर रहे हो, तुसी इहदा जेड़ा हैगा सही रेता नहीं यूज कर रहे। ये करदे की है, नहरां चों रेता कढ के पा दिंदे है ते बाद च जेड़ा बिल हैगा वह वधिया रेते का पाउंदे है। आ इन्हां दा इक ठेकेदार है, आ इन्हां दा ठेकेदार है। ये इन्हां दा जदों ये सोशल मीडिया ते इहनू लाइव करदा ते इहदी कन्न आराम दी मोबाइल खो के चलाया जांदा है ते पुलिस इहदा कोई परचा दर्ज नहीं करदी। उल्टा कन्न आराम ते ये इहदे बजुर्ग ते इन्ने परचे दर्ज कर दिते जांदे है। इस तों बाद तुसीं देखो मजे वाली गल है, ये कहिंदा मैनूं बंदी बना के रख लिया। बंदी दा मैं तुहानूं दिखाउणा वीडियो फुटेज। आ देखो ये पुलिस इहनां नूं ये कहिंदे है ये बंदा आराम नाल इत्थे बैठा है, सिर्फ दो बजुर्ग बंदे हैगे जेडे इहनूं इत्थे बैठे है। ये इहनूं असल दे विच तां इहनां ने बचाया सी, इहनां दा प्रोपोगंडा पहलां तों सी। इहनां ने परचा कराउण लई, झूठा परचा कराउण लई इह सारा कीता है। इक जिहड़ा मजदूर बंदा है वह सोने की चैनी पा के फिरदा है। इस तों पहलां वीडियो तुसीं साफ देख लो, किते भी उहदे गले च चैनी नहीं दिखदी। यह चीज़ां ही मैं कोर्ट च दसियां, इस ताऊ की जमानत एंटीसपेटरी बेल कोर्ट ने दिती है। इन्हां ने वह धारा लाती 380B ता कि छेती कितने इन्हां दी जमानत ना होवे, पर लेकिन कोर्ट हैगी। अगर कोर्ट ना होवे तां मैनूं लगदा है भी इन्हां दे खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई रहे ना, क्योंकि जिहड़ा भी आवाज़ उठाऊगा यह चक के परचे करा के अंदर कर देंगे ते सरकार इन्हां दी रहूगी। मैं तां मारियो भगवंत मान नूं केजरीवाल जी नूं बेनती करदा भी इस तरह के जिहड़े कांग्रेस तो आए हैं। कहिंदा मैं 18 साल कांग्रेस से रह के आया, असल दे विच कांग्रेस तो करप्शन की ट्रेनिंग लैके आया ते आपदे सारे लोटू टोले नूं नाल लैके उन्हें हल्के च करप्शन करन नूं फिरदा है। इहदे मनसूबे असीं कामयाब नहीं होण दिंदे। मैं मेरे हल्के दे जिले दे सारे जो भी जिहड़े RTA एक्टिविस्ट हैगे मैं उन्हां नूं बेनती करदा, हर जगह ते तुसीं RTA लाओ, थोनू किते भी दिक्कत आउंदी है मेरे नाल संपर्क करो, मैं थोड़ी RTA फ्री लाऊंगा। अगर थोनू लोड़ पैंदी है परचे कराउंदे है मैं थोड़े केस फ्री लड़ूंगा, कोई फीस नहीं लैंदा, पर इन्हां नूं करप्शन नहीं करन देनी। मैं थोनू दसना चाहुंदा पिछली सरकार दे विच पेवरा दे विच जिहड़ा पेवर उस टाइम 6.5 रुपये मिलदा सी, 11.5 रुपये दे बिल पाए हुए है ते कल्लू दी एक फैक्ट्री हैगी, सारे पेवर उत्थों गए हुए है। पावर रिकॉर्ड चैक कर लो, मेरे कोल भी RTA दे थ्रू डाकूमेंट पए है ते मोटी कमाई कीती है पिछले MLA ने। इस MLA ने भी उही कम करना शुरू कर दिता, इहनूं लगदा है भी मैं वो कर लूंगा, असीं नहीं होण दिंदे। ये आम आदमी सरकार है, असीं आम आदमी हाँ, अगर लोड़ पई तां असीं जा के दिल्ली धरना लावांगे। ये तो सिर्फ चेतावनी लई असीं इत्थे धरना लाया है, 15 दिनों का टाइम दिंदे आ। जेकर परचे दर्ज नहीं जिहड़े परचा दर्ज किया खारज नहीं किया तां असीं दिल्ली जाके धरना लावांगे। हुण मैं तुहानूं दसदा जिहड़ा इन्हां ने इस लोटू टोले ने थाणा बाहवाला दा SHO बलविंदर सिंह टोहरी नूं लाया है, उहदे तुहानूं मैं कारनामे दसदा। सब तों पहलां आह कुड़ी हैगी ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਟੋਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾ ਕੇ 5-4 ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਲਪਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਛੱਡਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ
एक गुरलीन सिंह खुराना ना दे आईपीएस आए सी, वो बंदा इन्ना ईमानदार सी, जेकर थाने से जाके कोई कह दिंदा सी भी भाई मैं एसएसपी नूं मिलन चलिया ऐसे तो मिंट च कम कर दिंदा सी, पर हुण अगला कहंदा ऐसे तो एसएसपी नूं मिलन चलिया कदे मिलिया कोई गल नहीं, क्योंकि बावला थाना तां ठेके ते है, बावला थाना कोई थाना इंसाफ लई नहीं है, बावला थाना तां ठेके ते दिता जांदा है, ये ठेका जिहड़ा हैगा बलविंदर सिंह टोरी इहदा भतीजा अमनदीप ते परमजीत जिहड़ा कि उत्थे एसआई है ओनू पता नहीं किन्ने साल हो गए, वो हवलदार भी उत्थे एसआई भी उत्थे, ते मैनूं लगदा थाना मुखी उत्थे बनू, आ कुड़ी जिहड़ी हैगी आ मैं तुहानूं दिखाउणा, ये कुड़ी है इहदे कोल मोटरसाइकिल है इहदा, रात नूं आउंदा है आके इहनूं घरे आके डराउंदा है, डरा के इहनूं कहिंदा आरसी दिखा, तुसीं दसो किहड़ा कानून है जिहड़ा घरे खड़े साधन नूं चोरी दा वे तुसीं चैक कर लो कोई दिक्कत नहीं है, आरसी इहदे नां सारे कागजां दे नां ते है, उहदे कोल की हथियार है आके चैक करन दा, पर उहने आके घरे आके उह चैक कीते इहदी आरसी लै के चला गया, कहिंदा 10,000 रुपये ले आई नहीं तां तेरे ते मैं परचा करूंगा, ते उड़े कुड़ी नूं इहनूं पुछ लो की कह रही है, दस भाई उहनूं बावजूद भी दुबारा आके ते मैनूं कहिंदा वी आरसी दुबारा दिखाओ तुसीं जां मैं मोटरसाइकिल दी अपनी चाबी दे दो मैनूं, मैं कहिंदा मोटरसाइकिल दी चाबी मैं नहीं देनी, कहिंदा मैं लोक तोड़ दांगा, मैं कहिंदा मैं लोक नहीं तोड़न देना, ठीक है जदों इह सवेरे लै के गया ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਈ ਥਾਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਰਸੀ ਦੇਈ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਰਾਜਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਕੌਣ ਕਰੀ, ਬਾਕੀ ਗਾਮ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਵੇ ਮਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਵੀ ਮਾਰ ਕੋਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਥਾਣੇ ਮੈਂ ਐਰ ਮੁਕਾਈਏ, ਤੂੰ ਮਾਰੋ ਕੀ ਕੌਣ ਵਿਗਾੜ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲਊਗਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਥਾਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ SHO ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਤਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਇਹ SHO ਕਰ ਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ IPS ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ, ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ MLA ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ MLA ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ OSD ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਲੋ, ਜੇ RT ਲਗਾਉਣੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ RT, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ RT ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜੀ ਹੈ, ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਹੈ,
स्टेट कमिश्नर जान लग रहा तरीका भुगतान लग रहा फिर भी आर टी कौन दे ठीक है। बाकी पाइपा ची पाइप है वाटरवर्क्स ले गए मालिया मोड़ तक 9 लाख कुछ हजार रुपये की पाइप गाली है जिकी एक कागजा में गाली है वरना बैठा कोई पाइप कौन गाली एक इंच पाइप भी कौन गाली जिका जिटा परचा मारा पर बिल्कुल स्पष्ट है 20 तरीक ने अमनदीप गोल्डी एन बाइट से सुनी ली स्पष्ट के धमकी जांगा बाकी लेटर भी दियो 20 तरीक ने डीसी ने लेटर भी दियो बहुत चक्के एडीसी ने गाल दियो एडीसी मार्क करके वीडियो डीडीपीओ दफ्तर गाल दियो बिंग लेटर नंबर मेरे कन्ने ठीक है डीडीपीओ ने क्या डीडीपीओ भी इंक्वायरी करेगा डीडीपीओ कन्ने 4 कंप्लेंट आ गए पड़ी मुख्यमंत्री तक का लेटर डीडीपीओ कन्ने पड़े एक वीडियो या प्रबंधक की औकात है भी कपला कर दे जब तक उपर दला जरा डीए डीडीपीओ या एडीसी डिवेलपमेंट जरा है अगर वो ईमानदार हो इस तो बाद थोनू मैं कल होर दसना चाहना भी ये जरा ठेकेदार है डीडीपीओ अभियान है पंचायत का एक रूल है नरेगा का एक नियम है कोई भी कम जरा करना है वो कम जरा है वो तुसी डिवेलपमेंट का डिवेलप्ड कम करना है ताकि ओदी बाद विच ऑडिट हो सके ते तुसी देखो इत साइट चक लो जेड़ी नरेगा की साइट खोल के देख लो ओदे इन्हां कोल इको ही कम हुंदा मिट्टी पाई मिट्टी पाई ये जड़ा कम छप्पड़दा इन्हें नरेगा तो क्यों नहीं करवाया या होर जेड़े कम हैगे जेड़े ठेके ते क्यों दिंदे है जद नरेगा नूं तुसी नरेगा सरकार ने दित्ती है उन्हूं दिहाड़ी दिंदे हो तुसी नरेगा नूं क्यों नहीं लाउंदे क्योंकि फिर करप्शन नहीं होंगी समस्या सारी यही है तो ये बैठे इतने जो डी डी पी ओ है की करता है एडीसी डिवेलपमेंट की करता है ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है तुसी देखो सेंटर गवर्नमेंट ने नरेगा का फंड देता इन्हों 2% एडमिशन चार्जिज भी देंगे है पर लेकिन पंजाब सरकार जरा कुलदीप सिंह जी धारीवाल साढ़े मंत्री है मंत्री साहब देखो थोड़े डिपार्टमेंट दे विच हजे तक सोशल ऑडिट यूनिट ही नहीं बनिया जो ऑडिट नहीं हुंदा तो सारा पैसा जिते भी साइट खोल के दे मिट्टी पाई ऑडिट किवें करोगे मिट्टी पाई का कहदा ऑडिट है पंचायतों के कम निरगत क्यों नहीं करवाते पर क्योंकि ये कराने वाले फिर इन्हों का सिस्टम बंद हो जाना है करप्शन बंद हो जानी है ये कोई भी सरकार नहीं चाहती गोल्डी नाल मैं फार्म मैं भरिया अमनदीप सिंह गोल्डी का जो तो MLA का इलेक्शन लड़िया मैं फार्म भरिया मैं इनू कहा मैं क्या यार ये गल गलत कर रहे हो तुसी मैं एक दिन ये दफ्तर गया मैं इनू ये गल कह गया भी तुसी गलत बंदियां दी सपोर्ट करते हो तो ये को ना एक कोई मंकू ना का कोई हैगा गैंगस्टर जरा अपने आप गैंगस्टर कहता है ये वो बड़े परचे दर्ज है मैं पता लग्या उन्होंने मेरे गल पाता मतलब की है भी जे कोई वर्कर आके इतने साढ़े खिलाफ कोई बोलूगा तो गल पावे थोड़े तुम दसो कि जावे उतले सुनते नहीं अज मिला लो हूँ मिला लो मेरे सामने नंबर कोई भी किसी मंत्री का किसी का OSD का किसी नंबर मिला लो किसी का नहीं लगता कोई अटेंड नहीं करता की करांगे फिर साढ़े को धरना प्रदर्शन ही है भाई साहब 2015 का मैं आम आदमी पार्टी च लग्या सीगा मैं कम करी जांदा रेगुलर कोई भी बंदा जिन्हें आके मैं कहता भी मैं आम आदमी पार्टी आ मैं फिर कम फ्री किया पर मैं अहदेदारियां नहीं लिया लैंड तो मैं भी चमतागिरी अहदेदार लै लेंदा पर जे अहदेदारी लै लेंदा अज खड़ के इन्हों नहीं बोलना सी इन्हों की आवाज़ बनना है मैं मैनू अहदेदारियों की लड़ नहीं ना मैं MLA तो कोई ठेका लेना है ना मैं मुंडा नौकरी लाना है मैनू किसी चीज़ की लड़ नहीं है ना मैं किसी अहदेदारी की लड़ है लोगों की आवाज़ है लोगों ने लड़ते हैं लोगों की आवाज़ बनेंगे ये लोग कोई मैं एक गल होर दसना चाहना ये लोग कोई नरेगा है नहीं ये लोग अपने आप सताए हुए लोग है जेडे इतने आए है मैं दसना चाहता मुख्यमंत्री साहब जेड़ा तुसी अबोहर आके चेक वंट के गए सीगे ओदे विच लोग नहीं आए सी ओदा नरेगा वाले दिहाड़ी इकट्ठे करके लियाए सीगे नहीं आता फोटोआं दे विचों डिटेल कढ़ा लो ते वीडियो दफ्तर चो मैं कढ़वा दिना थोनू इन्हां नाल बंदे नहीं तुरदे क्यों नहीं तुरदे ये किसी का कम नहीं करते इन्हां नूं तां सिर्फ इक्को ही चीज़ है भी डिवेलपमेंट करो डिवेलपमेंट कादी करनी है आपदी करनी है।
इन्हां ने कदे रुजगार की गल करते हैं भी इन्हूं असीं रुजगार देवांगे? नहीं करते। इन्हां ने सिर्फ डिवेलपमेंट की गल करनी है क्योंकि पैसा ही उत्थों बनना है। जो पैसा लगता है तुसीं उहदा डिस्प्ले कर दिओ भी इन्ने इन्ने पैसे आए हैं, इन्ने लगने हैं, इन्ना आ है। लोग आपे उहदी निगरानी करनगे। आरटीए की लोड़ ही नहीं पैनी, आरटीए की तो जरूरत ही नहीं है। ये तो तुम करवाई जाने करप्शन, तुम करप्शन करते हो, लोग आरटीए लेंदे है तो अगला तो ब्लैकमेल करूंगा ही। अज धर्मपुरा ब्लैकमेलर हो गया, कल मैं मेरे पिंड की करूंगा डिस्कलोज करूंगा, अमृतपुरा ब्लैकमेलर हो जूगा, हौली हौली सारे पिंड ब्लैकमेलर हो जाएंगे। सिर्फ एक MLA ते दा लोटू टोला जिहड़ा 10-12 जिहड़े हैगे जिहड़े की करदे है, इन्हां दा भी मैं अगे बहुत जल्दी एक इनवैसटमेंट करदे है, इनवैसट खर्चा करदे है, खर्चा करके क्योंकि ये पहला अकाली दल वाले MLA इन्हां दा सीगा, पिछला MLA ही इन्हां दा सीगा, ते आ MLA भी इन्हां दा ही है। पर ये है असी ये चलन नहीं दिंदे क्योंकि असी आम आदमी पार्टी दे विच कम किया है, असी वर्क किया है, असी साडा टाइम खराब किया है। सानू पार्टी तो किसी चेयरमैन की लोड़ नहीं ते ना ही सानू जरूरत है, लेकिन जिहड़ा MLA करी जांदा है इहदा असी चलन नहीं दिंदे। जे असी ये जिम्मेवारी नाल कहने आ 15 दिन का टाइम है, आ जिहड़े तुहानू मैं दिखाते 2 तां कतल केस है, एक महावीर इहदा मुंडा एक्सपायर मारता, सरेआम मुंडे का कतल किया है, इहदियां एप्लीकेशनां दित्तियां 2.5 महीने असी धरना लाया DSP अबोहर दे बलवाणा दफ्तर अगे, कोई सुनवाई नहीं हुई, कतल नहीं हुआ। सानू कहिंदा पुलिस कहिंदी है असी कतल नूं लभ नहीं सके। अच्छा उस टाइम कौन सीगा? SHO बलविंदर सिंह टोरी, हुण फिर उहनूं लाता, उही SHO फिर उत्थे लाता। इहदी की काबलियत है इस SHO दे विच? असल दे विच इहदे विच काबलियत है पैसे कट्ठे करन दी। अगला ठेका दिंदा है ते उत्ते पहुंचाउंदा है, तां करके हो सकदा है भी कल नूं मेरे ते इहनां दे किसे दी परचा कर देण, पर किसे नूं दरन दी लोड़ नहीं। कोर्टां हैगियां, सारिआं दे केस फ्री लड़ूं, किसे नूं भी जमा डरन दी जरूरत नहीं इहनां तों। हुण असीं इहदे वास्ते हाई कोर्ट भी गए हां, असीं कई वारी मुख्यमंत्री नाल ट्राई कीती भी सानूं टाइम मिल जाए, इहदा इह जिहड़ा हैगा ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆ ਦੇਖੋ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, 10,000 ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮਿਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਸ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਇਹ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਬੰਦੀ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, 8 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ FIR ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਰਾਜ ਹੈ? ਜੇ ਸਵਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ MLA ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਲੂਆਣੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। MLA ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਜੇਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਹ 4 ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲੇਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ?
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੂਗਾ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਅਵਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੂੰ ਇਹ ਟੋਰੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਹੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਕੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਕੀ ਦੇਵੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕੀ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਵੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਵਲਦਾਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਡੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਰੋ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੀਰੋ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਬੋਹਰ ਬੱਲੂਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਦਬਾ ਫੁੱਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ।